कल पता मुझे देख के ऐसा लगता है कि ये शो खत्म कब होगा। उसने बोला साइड हो गए, सिद्धार्थ को अलग कर दिया, एक तरफ और सिद्धार्थ एक तरफ हो गए। सिद्धार्थ शुक्ला इरिटेट कर रहे हैं, लेकिन एक चीज भी है, सबसे ज्यादा दिख भी रहे हैं। हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ तन्वी सूद, आपका स्वागत है एक बार फिर से बिग बॉस के अड्डे में। मेरे साथ आज है प्रशांत, यास्मीन और दर्शिका। इस वक्त बिग बॉस के घर में खूब सारा ड्रामा देखने को मिल रहा है। जहां देखो जिसे देखो वो रश्मि देसाई और सिद्धार्थ शुक्ला की लड़ाइयों की ही बातें कर रहा है। देखा जाए तो कल के एपिसोड में जिसने सबसे ज्यादा फुटेज खाई वो थे सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई। आइए जानते प्रशांत से कल के एपिसोड में क्या क्या धमाका हुआ। तन्वी, कल के एपिसोड में सिर्फ रश्मि और सिद्धार्थ ही छाए रहे, कोई दिखाई ऐसा लगा ही नहीं कि घर में और भी कंटेस्टेंट्स हैं। जो भी हैं बाकी वो भी इन्हीं की बात करते दिखाई दिए, तो इन दोनों के लेकर काफ़ी ड्रामा हुआ। अब जेल का भी सेशन शुरू हो चुका है कि जेल में किसी को भेजना है, तो उसको लेकर के भी कल काफ़ी बहस देखने को मिली। सिद्धार्थ शुक्ला का ज़्यादातर नाम आया कि उनको जेल में जाना चाहिए, वो जेल में गए और उनके ऊपर रश्मि ने भी कुछ एलिगेशंस लगा दिए कि मुझे ऐसे छू रहा था, तो फिर वो कन्फेशन रूम में भी गए बिग बॉस के पास और एट द लास्ट उनको जेल में भी जाना पड़ा। जेल में भी उन्होंने काफ़ी ड्रामा किया, काफ़ी के अंदर उस गेम में जो वॉशरूम है जाकर उन्होंने खूब हाथ अपने पीटे, तो काफ़ी कुछ कल सिद्धार्थ और रश्मि को लेकर देखने को। दर्शिका, कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला इरिटेटिंग होते जा रहे हैं। मुझे भी ऐसा लग रहा है क्योंकि उनको कल पता मुझे देख के ऐसा लगता है कि ये शो खत्म कब होगा, क्योंकि पूरे टाइम बस उन्हीं की लड़ाई झगड़े, छोटी छोटी बात पे मुझे ये काम नहीं करना वो काम नहीं करना। मतलब अगर घर में कुछ कोई प्लान बना रहा है कि अगर तुम अपने बर्तन बहुत सारे होते हैं तो किसी भी काम को लेके वो हर चीज़ पे बहस, हर छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा, तो बहुत इरिटेटिंग हो गया। देख शुरुआत तो वही पारस ने की है वहाँ पे आके लड़ाई झगड़ा करने की है। मतलब अगर उसने बोला साइड हो गए सिद्धार्थ को अलग एक तरफ और सिद्धार्थ एक तरफ हो गए। नहीं, मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहता हूँ कि जैसे कि हाँ इरिटेट डेफिनेटली वो कर रहे हैं, जो है सिद्धार्थ शुक्ला इरिटेट कर रहे हैं, लेकिन एक चीज भी है, सबसे ज्यादा दिख भी रहे हैं, दिख भी रहे हैं। मेन फोकस लोगों का भार ये भी है कि वो दिख रहा है, अब जो दिखता है वो बिकता है। पिछले सीजन में शशिशन थे, भागने पे लगे रहते थे, काफी इरिटेट कर दिया था उन्होंने लोगों को, लेकिन वो दिख रहे थे बाहर। बस हाँ यही चीज है कि वो शो में काफी ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं। जनता पागल नहीं है, अगर ज्यादा इरिटेट करेंगे तो घर से बाहर भी जा सकते हैं। वो घर से बाहर जाने जैसा है नहीं, क्योंकि अभी जिस उनके वजह से ही पूरे घर में ज्यादा बना हुआ है माहौल, हर लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। सहमत हूँ कि बाहर तो नहीं जाएंगे, इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, और अगर उन्हें बाहर कर दिया जाएगा, काफी लोग उनकी वजह से शो देख रहे हैं, भले ही वो शो में जैसा भी बेकार कर रहे हों, लेकिन हाँ बाहर नहीं जा सकते। पर कहीं ना कहीं दर्शिका, सिद्धार्थ शुक्ला हर किसी से भिड़ते नजर आ रहे हैं। रश्मि देसाई हो, पारस छाबड़ा, कल के एपिसोड में भी पारस छाबड़ा के साथ काफी लड़ाई हुई और सारी ड्यूटीज को लेकर सारी बातें हुई, उस पर तुम्हारा क्या कहना? मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कहीं ना कहीं सिद्धार्थ को ये लग रहा है कि छोटी छोटी बात पे जो लड़ते हैं, कभी किसी से भी नहीं बनती, उनके घर में पारस से और रश्मि से तो ऐसी दुश्मनी है उनकी। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि पारस ने स्टार्टिंग में ये चीज़ कही थी कि सिद्धार्थ शुक्ला मैनिपुलेट कर रहे हैं लोगों को, तो अगर वो मैनिपुलेट करते तो इट मीन्स कि उनके पास और भी कंटेस्टेंट्स का जमावड़ा होना चाहिए था, लेकिन शुक्ला हाँ है ना, नहीं, आरती सिंह के साथ है वो यहाँ पे सिर्फ, क्या ही देख कर। लेट मी क्लियर प्रशांत, यहाँ पे पारस जो है वो कहते हैं कि वो मैनिपुलेट कर रहे हैं, अगर वो मैनिपुलेट कर रहे होते तो आरती सिंह के अलावा भी और भी कंटेस्टेंट्स उनके साथ होते, लेकिन साथ में कौन है? पारस के सारे लोग साथ हैं और शुक्ला अकेले हैं, तो मैनिपुलेट कौन कर रहा है ये तो साफ पता चल रहा है। ये चीज शायद तुम, मुझे लगता है, ध्यान से शो ही नहीं देख रही हो। आसिम रियाज कहाँ गए? आसिम रियाज फुल ऑन सपोर्ट कर रहे हैं अंदर, जब पारस ने बोला कि गेट में मार रहा है, हाथों को मार रहा है, तब उसने वहां, तब तो उसने ऐसा रिएक्शन दे दिया। फिर बाहर आते क्या कहते हैं, यार मेरी तो नींद उड़ गई, मुझे पता चला तेरे साथ ये हुआ, वो पूरा उनके साथ में। शहनाज गिल, शहनाज भी कहीं ना कहीं तो सिद्धार्थ शुक्ला के साथ देती है। एक चीज, हाथ मारने वाला जो सीन था अंदर एट टाइम्स आई ऑल्सो डू दैट थिंग्स, कि मतलब गुस्सा आता है लोगों को, इससे लोगों को जज नहीं किया जा सकता है कि उनका टेम्पर हाई है। यास्मीन की मतलब छोटी छोटी बात पे वो पूरा बवाल बना रहे हैं, जैसे कल के, कल तो बहुत ही ज्यादा ड्रामा किया उन्होंने। अगर वो ड्यूटी एक बर्तन अपना धो देंगे तो ऐसा क्या हो जाएगा, वो मतलब इशू बना रहे छोटी बात पर। आरती सिंह ने दो दिन पहले ये चीज कहा है कि कोई भी यहाँ महान बनने नहीं आया, तो बर्तन धो देंगे तो वो बाकी लोग भी तो कर सकते हैं ये चीज, बाकी लोग सभी कर रहे हैं, बस सिद्धार्थ शुक्ला ही नहीं कर रहे हैं। कोई जगह सिद्धार्थ शुक्ला को ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है, वो रश्मि देसाई हो।
अब बात कर लेते हैं प्रशांत, कल का जो जेल पहली बार इस सीजन का जेल वाला वो आ गया है कॉन्सेप्ट, और अब इस बार सिद्धार्थ शुक्ला गए हैं अंदर और शहनाज, तो इस पे तुम्हें क्या लगता है, इन दोनों को ही जाना चाहिए था या इनके बदले किसी और को जाना? देखिए मैं सच बताऊं तो सिद्धार्थ शुक्ला को तो जाना ही चाहिए था, और उसके अलावा आरती को भी अंदर जेल में ही जाना चाहिए था, क्योंकि आरती ने कुछ किया ही नहीं है, उन्हें ही सजा मिलनी चाहिए थी। भैया कुछ तो करो, कुछ उनका दिख ही नहीं रहा, बाकी सब ने अपना स्टैंड दिया है। और कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से आसिम रियाज को भी जाना चाहिए था, कि कोई तुमको खाना देता है उसमें तुम्हें नेगेटिव एनर्जीज आती हैं, तो ये चीज़ बहुत गलत है। तुम कभी किधर चले जाते हो तुम्हारा कुछ पता नहीं चल रहा, तो मेरे हिसाब से सिद्धार्थ तो गए एकदम सही हुआ। उनके अलावा आरती और आसिम रियाज में से कोई जाना चाहिए था। कौन जाना चाहिए था? मुझे लगता है कि रश्मि देसाई और सिद्धार्थ शुक्ला को जाना चाहिए था, क्योंकि उनके वजह से ही फिलहाल घर में काफ़ी ज़्यादा मतलब माहौल बना हुआ, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो इन दोनों को एटलीस्ट साथ में होकर सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए था। क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम रियाज को जाना चाहिए था, क्योंकि आसिम रियाज का कोई मुझे स्टैंड नहीं लग रहा आजकल, मतलब वो बहुत ही सिद्धार्थ के पीछे पीछे हर जगह पे, और सिद्धार्थ का तो आप देख ही रहे हो कि किस तरह से हंगामा कर रहे हैं, तो उन्हें शांति चाहिए घर को, बस वो देख तो रहे हैं लोगों के सामने। आसमी ने बोला था कि वो लोगों को मैनिपुलेट करते तो लोग उनकी तरफ होते। अब्बू मलिक, आसिम रियाज, शहनाज गिल, ये तीनों के तीनों उनकी तरफ है। इवन अब सैफ अली बग्गा भी थोड़ा थोड़ा आरती, और रही बात उनके मैनिपुलेट नहीं कर रहे, तो कल जब जेल में थे शहनाज गिल और सिद्धार्थ, तो सिद्धार्थ को लग गया कि भैया जो सैफ अली हैं उनका रश्मि के साथ और पारस के साथ स्ट्रांग हो रहा है कनेक्शन, तो वो भुन जाते हैं जल के, भैया इन लोगों को मैंने अपनी तरफ करा है। यहाँ पे पारस ने ये एग्जाम्पल दे दिया मैनिपुलेट कौन करा कौन नहीं। मैं बताती हूँ, शहनाज ने जब जेल जाने के नाम में अपना नाम लिया था और दूसरा नाम लिया था सिद्धार्थ डे का, जिसके बाद पारस ने क्या किया, उन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि आप अपना नाम क्यों लिया तुमने, तो उसके बाद फिर उसमें देखा जाए तो यास्मीन मैनिपुलेशन नहीं आती इसमें, तो वो उनको ये कह रहे थे कि स्टैंड लो तुम अपना, इसमें कहां गलत थी? इसमें कहीं भी कोई गलत नहीं। और रही बात मैनिपुलेट करने की, तो घर के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है जो दूसरे को मैनिपुलेट ना कर रहा हो, सभी मैनिपुलेट कर रहे हैं एक दूसरे को। वही मैं कहना चाह रही हूँ कि सिद्धार्थ शुक्ला अकेले नहीं है वहाँ पे मैनिपुलेट करने वाला, तो हर किसी से लड़ाई करके और उसके पास सॉर्ट आउट करने भी जाते हैं ना, तो इस तरीके से उससे बात करते हैं जैसे उसी टाइम लड़ जाए। शांत की भी सुन ले, यास्मीन अपनी ही बातों से पलट रही है। अभी थोड़ी देर पहले यास्मीन ने बोला कि सिद्धार्थ शुक्ला मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं, अब खुद ही बोल रही कि हाँ मैं सबके लिए बोल रही हूँ तो वो भी कर रहे हैं, तो यार तुम अपनी बात से पहले वो तो हो जाओ। मैं अपने बात से पलट नहीं रही हूँ यहाँ पे, लोग तुमने क्या कहा यहाँ पे कि पारस यहाँ पे घर में सभी लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं, मैंने किसी को नहीं बोला कि कोई मैनिपुलेट नहीं कर रहा है, मैं तुमने बोला कि सिद्धार्थ मैनिपुलेट नहीं कर रहा, तो मैंने बोला सिद्धार्थ मैनिपुलेट कर रहा है, पर मैंने ये नहीं बोला कि बाकी के घर वाले नहीं कर रहे। चलो गाइस हम आगे बढ़ने से पहले जनता को ये बता देते हैं इस बार कौन कौन नॉमिनेट है। इस बार रश्मि देसाई, मायरा शर्मा, सिद्धार्थ डे, आसिम, अब्बू और पारस छाबड़ा नॉमिनेट है। आप इनमें से किसे चाहते हैं घर से बेघर हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम दर्शिका तुमसे जान लेते हैं, क्या शहनाज पारस छाबड़ा और सिद्धार्थ शुक्ला के बीच में कहीं ना कहीं फंस रही हैं? मुझे ऐसा लगता है कि वो मतलब पारस को तो छोड़ ही नहीं सकती, वो एक तरफ उनका मतलब सॉफ्ट कॉर्नर है, लाइक करती हैं उससे, तो मतलब कहीं ना कहीं से वो किसी के साथ भी रह ले और कितनी भी लड़ाई हो जाए, यहाँ तक कि देवोलीना ने मना भी किया था कि पारस तुम इससे बात नहीं करोगे, इसके पास नहीं जाओगे, उसके बाद भी पारस भी आ गया और उन दोनों की मतलब सब सॉर्ट आउट हो गया ऐसा लगता। इसलिए सिद्धार्थ को भी मैंने बोलते हुए सुना था कि तुम किस टीम में हो मुझे नहीं पता, तो वो कहीं ना कहीं पारस की वजह से उस वहाँ भी जा और इधर भी है, तो वो फंस गई है दोनों के बीच में। मुझे लगता है कि हाँ शहनाज का यहाँ पे कोई गेम एक्चुअल में नहीं है, मैं एग्री कर रही हूँ उस चीज़ से, वो बचकानी हरकत कर रही है, उन्हें कुछ समझ में आ नहीं रहा है। अगर वो गेम खेल रही होती तो उन्हें पता होता कि उन्हें क्या करना है, वो गेम खेल ही नहीं पा रही है ऐसा लग रहा है मुझे, बचकानी हरकत में फंस के रह जा रही हूँ। अभी उन्हें डॉली बिंद्रा कह दिया था। Exactly. जिस तरह से हरकत कर रही है तो उनको कहना तो ये डिजर्व करती है वो। क्या लगता है? मुझे लगता है जैसे कि इन दोनों ने बोला कि उनके लिए शहनाज के मन में पारस के लिए सॉफ्ट कॉर्नर, लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि घर के जो दो कंटेस्टेंट हैं ये पारस और सिद्धार्थ दोनों सबसे स्ट्रांग हैं, और शहनाज यहाँ बहुत बढ़िया वाला गेम खेल रही है, क्योंकि दोनों के साथ उनके कनेक्शन है, उन्होंने दोनों के साथ ही बना रखे हैं। हाँ वो कंफ्यूज थोड़ी हैं, लेकिन जगह जगह पर वो दोनों की तरफ चली जाती हैं, तो मुझे लग रहा है ऐसा लगता है पारस को वो कहीं पे भी नहीं छोड़ती, कुछ अगर टास्क होता है या कुछ भी होता है तो उसके बारे में वो उल्टा सीधा बोलती है, और वो भी पारस भी बोलते हैं पारस, लेकिन फिर बाद में जाके वो एक हो जाते हैं। पारस तो किसी के सगे नहीं लग रहे मुझे यहाँ पे, पारस सिर्फ अपना गेम खेल रहे हो, किसी के सगे नहीं है यहाँ पर, लेकिन जिस तरीके से एटलीस्ट कोई दिखा तो रहे बाकी लोग। पारस
नहीं, यहाँ पे बाकी लोग हैं तो कम से कम यहाँ पे पारस क्या कर रहा है वहाँ पे। प्रशांत तुम्हें क्या लगता है कि शहनाज कहीं ना कहीं फंस रही है पारस और सिद्धार्थ के बीच? हाँ फंस रही है थोड़ा बहुत, लेकिन वो दोनों ही स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स हैं पारस और सिद्धार्थ, और उन दोनों के साथ ही वो दिखाई दे रही हैं, कनेक्शंस बना रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपना गेम भी खेल रही हैं, वो गेम ही खेल रही हैं सीधा बन 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 के और शरीफ बन बन करके, वो हर पूरे तरीके से गेम खेल रही हैं, तो मुझे लग रहा है कि हाँ। यास्मीन, कल के एपिसोड में हमने देखा कि पारस छाबड़ा और देवोलीना सिद्धार्थ शुक्ला की बात कर रहे होते, तो क्या बातें हो रही होती हैं? हाँ एक्चुअली बात यह है कि पारस ने कहा है कि मैं अगर बोलने पर आऊँ तो मैं सिद्धार्थ शुक्ला की वाट लगा दूंगा, मतलब उन्होंने कहा कि जब मतलब वो काम कर रहे होते तो इन दोनों के ड्राइवर सेम हैं जब काम के दौरान, और उन्होंने बताया कि वो एरोगेंस उनके अंदर इतना ज़्यादा है कि वो रिहाब भी जा चुके हैं सिद्धार्थ शुक्ला, और दवाइयों की वजह से उनकी बॉडी स्ट्रक्चर भी कुछ अजीब थे, दवाई खा खा के फिर अभी बॉडी अपनी उन्होंने बनाई है यहाँ आने के लिए, काफ़ी कुछ उन्होंने कहा इस चीज़ को लेकर, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो अभी कोई कह नहीं सकता। प्रशांत जाते जाते बता दो कि अपकमिंग एपिसोड में क्या होने वाला है। तन्वी, अपकमिंग एपिसोड में जैसे कि तुम्हें पता है कि 6 लोग नॉमिनेट हैं, 2 लड़कियों और 4 लड़के नॉमिनेट हैं, वहीं आज के एपिसोड में बिग बॉस जो हैं वो बाकी जो 4 लड़के जो नॉमिनेट हैं उनको किसी एक को बचने के लिए एक टास्क देंगे, जिसमें काफ़ी टॉर्चर करने वाली चीज़ लड़कियाँ करेंगी लड़कों के साथ, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा कि आखिर कौन बचेगा इन 4 लड़कों में से। वेल दोस्तों, आज के लिए बिग बॉस के अड्डे में इतना ही। आप हमें कमेंट करके ये जरूर बताएं कि सिद्धार्थ शुक्ला अब इरिटेटिंग होते जा रहे हैं या नहीं, और बिग बॉस से जुड़ी चटपटी खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।